नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टोटल सर्किट चैनल में। दोस्तों आज का वीडियो है SMPS कैसे बनाते हैं और इसके लिए क्या क्या कंपोनेंट की आवश्यकता होती है। दोस्तों आपको पता होना चाहिए SMPS किस तरह की आप डिज़ाइन करना चाहते हो, उसके लिए अलग अलग टाइप के कंपोनेंट लगते हैं। जैसे मान लो आपकी रिक्वायरमेंट 12 वोल्ट 5 एम्पीयर की या 24 वोल्ट 2 एम्पीयर की अगर रिक्वायरमेंट हो तो उसके अनुसार आप SMPS बना सकते हैं। यहाँ पर आज जो SMPS बनाएंगे इस STR की मदद से SMPS बनाएंगे। इस STR का नंबर है 5L380R, ये STR है और इस STR से 50 से 60 वाट तक की SMPS आराम से बना सकते हैं। आज जो SMPS बनाएंगे वो इस 0 PC के ऊपर बनाएंगे 12 वोल्ट के लिए। इसके लिए मैं आपको इसका सर्किट डायग्राम भी बताऊंगा और जो ट्रांसफार्मर उपयोग करेंगे इसमें इस STR में वो कोई भी SMPS होती है, जैसे ये वो छोटी वाली SMPS आती है, DT फ्री डिस में भी लगती है SMPS। इसका ट्रांसफार्मर को रिमूव करके की वाइंडिंग को निकाल करके इसकी बोबिन को बिल्कुल खाली कर लेंगे, इसको वाइंडिंग करेंगे। ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग करने के लिए कुछ बातें हैं जो ध्यान में रखनी होगी। यहाँ पर देखेंगे ट्रांसफार्मर की ये पिन है, इसको बाएं हाथ की तरफ रखेंगे, प्राइमरी वाइंडिंग करेंगे, उसके पहले सिरे को इस पिन पर लगाएंगे, उस वायर को घड़ी की तरह घुमाएंगे, इसके 100 रन लगाएंगे। प्राइमरी वाइंडिंग में वायर गेज लेंगे, वो 34 SWG से लेकर के आप 36 SWG भी लगा सकते हो। मैं इसमें जो वायर यूज कर रहा हूँ वो 35 SWG का वायर लगा रहा हूँ प्राइमरी वाइंडिंग में। इस तरह से लगा देंगे और इसके 100 रन लगाएंगे। अब इसमें जो आउटपुट वाइंडिंग करेंगे उसके लिए 25 SWG के मैं 4 वायर पैरेलल में ले रहा हूँ, इसकी वाइंडिंग करेंगे। अब इधर की साइड में निकाल देता हूँ, इसके 10-12 टर्न लगा देंगे। अब इसमें जो सबसे लास्ट में वाइंडिंग होगी वो AUX वाइंडिंग होगी, जो STR को VCC सप्लाई देती है, वह वाइंडिंग आप करेंगे इसमें। इसके भी मैं 35 नंबर वायर लगा रहा हूँ, रन लगा देंगे इसमें। अब इसकी सभी वाइंडिंग कंप्लीट हो गई है और इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब SMPS बनाने के लिए पहले मैं इसके सर्किट डायग्राम को आपको दिखा देता हूं। सर्किट डायग्राम में पहले यहां से देखेंगे, यहां पर जो AC इनपुट की सप्लाई देते हैं 230 वोल्टेज हो चाहे 150 वोल्टेज से लेकर 230 वोल्टेज तक या 240 वोल्टेज तक दे सकते हैं। इसमें जो AC इनपुट देंगे उसके सीरीज में एक फ्यूज जरूर लगाएंगे। इस फ्यूज से ये फायदा होता है, इस SMPS में कहीं भी खराबी होती है तो ये फ्यूज उड़ जाता है और आगे कंपोनेंट में किसी प्रकार की आग नहीं लगती। इस फ्यूज के आगे एक यहाँ पर ऐसे NTC भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएं, ये छोटी SMPS में कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है इसकी। ये 100 से 200 वाट की जो SMPS होती है उस पर इसकी ज़रूरत पड़ती है। वो इसलिए पड़ती है क्योंकि यहाँ पर जो फिल्टर कैपेसिटर होते हैं वो ज़्यादा माइक्रोफेरेड के होते हैं और वो सप्लाई देते ही चार्ज होने में काफ़ी करंट लेता है, उसी कारण से ये धीरे धीरे करंट को देता है, इसलिए इस NTC का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर जो कैपेसिटर लगाएंगे वो 47 माइक्रोफेरेड 400 वोल्ट का लगाएंगे कैपेसिटर, क्योंकि यहाँ DC बनती है वो 300 वोल्ट के लगभग बनती है। कोई भी जो DC कैपेसिटर लगाएं जो इनपुट वोल्टेज होते हैं उससे थोड़े बहुत यानी 50% ज्यादा होने चाहिए वैसे तो, लेकिन यहाँ पर 300 वोल्टेज है तो कम से कम 450 वोल्टेज का कैपेसिटर लगाएंगे। यहाँ डायोड है, वो 4 डायोड से ब्रिज रेक्टिफायर बना रखा है, यहाँ पर ब्रिज रेक्टिफायर भी लगा सकते हैं 1 या 2 एम्पीयर तक का, वो भी सही काम करेगा। आगे देखते हैं, यहाँ STR है, इसकी पिन नंबर 1 है, ग्राउंड पिन है, जो हाई वोल्टेज का ग्राउंड है उसी के साथ
साथ में ये पिन नंबर 1 जुड़ी हुई है। यहाँ पर देखते हैं इस ट्रांसफार्मर की टोटल 3 वाइंडिंग होती है, इसको प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं और इस वाइंडिंग को AUX वाइंडिंग बोलते हैं और VCC वाइंडिंग भी बोलते हैं इसको, और यहाँ पर जो ये वाइंडिंग है वो आउटपुट की वाइंडिंग है। 3 वाइंडिंग होती है, ये 2 वाइंडिंग एक तरह की होती है और ये वाइंडिंग इन दोनों वाइंडिंग से विपरीत होती है। वाइंडिंग का सिरा होता है पहला फर्स्ट, वो यहाँ पर दिया जाता है और इन दोनों वाइंडिंग में यहाँ पर लगाया जाता है। यहाँ पर जो ये पॉइंट का निशान बना रखा है ये वाइंडिंग का फर्स्ट सिरा है, वाइंडिंग करने का वो है, इसको विपरीत रखा जाता है। अगर SMPS काम नहीं करती SMPS वाइंडिंग करने के बाद में, तो इनको आपस में AUX वाइंडिंग को आपस में इन दोनों सिरों को अदला बदली कर सकते हैं तो ये सही काम करने लग जाएगी। SMPS में फ्लाईवे की SMPS हो चाहे कोई भी SMPS होती है उसमें एक सनबर सर्किट होता है और उस सनबर सर्किट में डायोड भी लगी हुई होती है, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर भी होता है। यहाँ पर जो सनबर सर्किट है इसका, यहाँ पर जो ये रेजिस्टेंस है ये 47 किलो ओम की रेजिस्टेंस है, कम से कम आधा वाट या 1 वाट की रेजिस्टेंस लगाएंगे। और यहाँ पर ये 10 नैनोफेरेड का कैपेसिटर है, 1000 वोल्टेज का कैपेसिटर है। यहाँ पर डायोड है FR4007, इस सर्किट को जरूर लगाएंगे। अगर इस सर्किट को नहीं लगाएंगे तो ये सप्लाई देते ही ये STR खराब हो जाएगा। इसका खराब होने का कारण ये है, जब भी इसमें स्विचिंग होती है तब इसमें हाई वोल्टेज जनरेशन होता है। यहाँ पर 300 वोल्टेज देते हैं, उससे भी ज्यादा वोल्टेज इसमें आते हैं, तो उस वोल्टेज को स्पाइक वोल्टेज को रोकने के लिए यहाँ पर इस सनबर सर्किट का प्रयोग किया जाता है। और इसकी जो 3 नंबर पिन है वो VCC पिन है जो इस AUX वाइंडिंग से जुड़ी हुई है। यहाँ पर इसका वाइंडिंग का जो सिरा है वो एक ग्राउंड के साथ में जुड़ा हुआ है, पावर ग्राउंड के साथ में, और दूसरे सिरे पर यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है ये क्वार्टर वाट की भी लगा सकते हैं, आधा वाट की भी लगा सकते हैं, ये 10 ओम की रेजिस्टेंस है। और इसके आगे डायोड लगा करके और इस पिन नंबर 3 को सप्लाई दे रखी है। मैं यहाँ पर कैपेसिटर लगाना भूल गया। यहाँ पर जो कैपेसिटर लगाएंगे वो 10 माइक्रोफेरेड से लेकर के 22 माइक्रोफेरेड लगा सकते हैं और ये 50 वोल्ट का कैपेसिटर होगा। और यहाँ पर जो ये रेजिस्टेंस है ये 470 किलो ओम की रेजिस्टेंस, ये स्टार्टअप रेजिस्टेंस होती है। जब ये रेजिस्टेंस नहीं होगी तो ये किसी प्रकार से वर्किंग नहीं करेगी, SMPS स्टार्ट नहीं होगी। यहाँ पर ये प्लस के साथ में जुड़ी हुई होती है, इस रेजिस्टेंस खराब होने के कारण से SMPS आउटपुट में वोल्टेज नहीं दिखाएगी और किसी भी जगह पर यहाँ पर एक्सिलरी वाइंडिंग पर भी वोल्टेज नहीं आएंगे। तो ये रेजिस्टेंस लगाना भी जरूरी है, 1 मेगा ओम की भी लगा सकते हैं, 220 किलो ओम की भी लगा सकते हैं। और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है ये क्वार्टर वाट की रेजिस्टेंस है, आधा वाट की भी लगा सकते हैं इसको। यहाँ पर जो ये वाइंडिंग है ये आउटपुट वाइंडिंग है, आउटपुट वोल्टेज की। यहाँ पर ये डायोड है और ये फोटो कपलर है, ये वोल्टेज फीडबैक का काम, इसी से वोल्टेज सेट होगा। और यहाँ पर मैंने इसका सर्किट नहीं बनाया। इसमें 2 तरीका होता है आउटपुट में वोल्टेज सेट करने का, एक तो TL431 लगा कर आउटपुट में वोल्टेज सेट कर सकते हैं, उसे वेरिएबल वोल्टेज भी सेट कर सकते हैं, या पोटेंशियोमीटर लगा करके भी वोल्टेज को सेट कर सकते हैं, या जेनर डायोड लगा करके वोल्टेज को, फिक्स वोल्टेज को सेट कर सकते हैं। अब आगे इसमें बाद में लगाएंगे क्या कंपोनेंट लगाएंगे, पहले SMPS में कंपोनेंट लगा लेते हैं। दोस्तों वीडियो काफी लंबी होने की वजह से मैंने इसमें जो कंपोनेंट लगाए हैं उसके बारे में आपको नहीं दिखाया, लेकिन यहाँ पर देखेंगे इस सर्किट डायग्राम में है ठीक वैसे के वैसे मैंने इन्हीं सभी कंपोनेंट को वैसे के वैसे लगाया है जैसे सर्किट डायग्राम में है। मैंने यहाँ पर आउटपुट में जो फीडबैक देते हैं इसको वोल्टेज कंट्रोल करने के लिए आउटपुट में, उसके जगह पर एक जिनर डायोड लगाया है। इस जिनर डायोड को चेंज करके इसमें आउटपुट में वोल्टेज ले सकते हैं, जैसे 12 वोल्टेज की फिक्स आउटपुट लेनी है यहाँ पर तो 9 वोल्टेज या 11 वोल्टेज का जिनर डायोड लगाएंगे, 1-2 वोल्टेज कम का रखेंगे तो आउटपुट में उस हिसाब से ही वोल्टेज आएगा। जैसे मान लो यहाँ पर 12 वोल्ट का जेनर डायोड लगाते हैं तो आउटपुट में 13-14 वोल्टेज के लगभग मिलेगा, इसलिए जो आउटपुट में वोल्टेज चाहिए उसे थोड़ा बहुत कम रखेंगे इस एक या 1.5 वोल्टेज का जेनर डायोड को, तो आउटपुट में वोल्टेज सही मिलेगा। और यहाँ पर जो SMPS की प्राइमरी वाइंडिंग है इस पर 100 टर्न है और इसकी AUX वाइंडिंग पर 12 टर्न है और आउटपुट में मैंने 10 टर्न लगाए हैं। और यहाँ पर ये फोटो कपलर ये लगा हुआ है इस जगह पर और इसके आगे ये 100 नैनोफेरेड का ये कैपेसिटर जरूर लगाएंगे। ये कैपेसिटर जो लगाया है वो यहाँ पर है और ये इसका STR है
जो यहाँ पर है, और डायोड की जगह पर मैंने ये डायोड लगा दी है इसकी, और इसके ऊपर हीट सिंक लगा दी है ताकि लोड पड़े तो ये गर्म नहीं हो डायोड। इसके जगह पर दूसरी भी लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर जो MBR 2000 की ये डायोड लगाई है, इससे कम की भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसकी आउटपुट जो मिलेगी वो लगभग 3 एम्पियर के लगभग इसकी करंट है इस SMPS का, तो इससे कम की भी लगा सकते हैं। ये लगाओगे तो ठीक रहेगा। इसमें VCC वाइंडिंग होती है, यहाँ पर पिन नंबर 3 पर जो VCC वोल्टेज मिलता है यहाँ पर, तो इसकी जो कैलकुलेशन है वोल्टेज की वो इस हिसाब से रखेंगे ताकि यहाँ पर कम से कम 12 वोल्टेज मिले और अधिकतम 20-22 वोल्टेज से ज्यादा नहीं जाने चाहिए आउटपुट में वोल्टेज को। इस तरीके से ही इसमें सेट करेंगे। जैसे यहाँ पर आउटपुट में 12 वोल्टेज आ रहा है, तो यहाँ पर भी 12 वोल्टेज या 14 वोल्टेज से ज्यादा नहीं जाना चाहिए इस पिन पर, तो इस पर भी टर्न उसी हिसाब से ही रखेंगे। इसकी कैलकुलेशन मैं आपको दिखाता हूँ। अब आगे देखेंगे, यहाँ पर DC 300V लिख रखा है मैंने। इस DC 300V का मतलब यह है, जब इस SMPS में AC वोल्टेज 240 या 230 वोल्टेज जब इसमें सप्लाई देते हैं, तो इसमें जो DC वोल्टेज बनता है वो 300 वोल्टेज के लगभग इसमें बनता है, और इस 300 वोल्टेज के ऊपर ही SMPS को डिजाइन करते हैं, तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। वो गड़बड़ ये होती है, जब SMPS में AC वोल्टेज कम होता है, जब DC वोल्टेज भी कम होता है, और उस DC वोल्टेज को कम होने के कारण से आउटपुट में जो वोल्टेज होता है वो भी कम ज्यादा होता है। इसलिए इस SMPS को जो डिजाइन करेंगे, इसका जो कम से कम इस DC वोल्टेज का हाफ वोल्टेज होता है उसके ऊपर इसको डिजाइन करेंगे। तो मैंने यहाँ पर इसको 120 वोल्टेज की डिजाइन की है इस SMPS में। SMPS में जब AC वोल्टेज कम होगा तब आउटपुट कांस्टेंट ही मिलेगा। इसमें लगभग 100 वोल्टेज से लेकर 240 वोल्टेज तक कितने भी आए, वोल्टेज जो आउटपुट में रहेगा वो कांस्टेंट ही रहेगा। इसलिए जो प्राइमरी में टर्न है वो 100 टर्न है, AUX वाइंडिंग पर 12 टर्न और आउटपुट में 10 टर्न। 120 वोल्टेज के अंदर प्राइमरी वाइंडिंग के टर्न का भाग देंगे तो यहाँ पर जो 1.2 की संख्या आई है वो टर्न प्रति वोल्टेज है। इसको अगर 12 टर्न से कैलकुलेट करेंगे तो AUX वाइंडिंग पर जो वोल्टेज मिलेगा अपने को वो 14.4 वोल्टेज के लगभग मिलेगा, आउटपुट में 12 वोल्टेज मिलेगा। मान लेते हैं इसी वोल्टेज रेंज पर अगर इस SMPS में आउटपुट में फीडबैक को चेंज करके 5 वोल्टेज की सप्लाई लेते हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा। उस कंडीशन में ये होगा, जब 5 वोल्टेज यहाँ पर लेते हैं तो उसके साथ साथ में ये वोल्टेज भी कम हो जाएंगे, और ये वोल्टेज अगर 10 वोल्टेज से कम होता है तो ये SMPS आउटपुट वोल्टेज में 5 वोल्टेज में फ्लक्चुएट आएगा, वोल्टेज सही नहीं बनेगा। यहाँ पर जब VCC वोल्टेज 10 वोल्टेज से अगर कम रहता है तब ये SMPS सही काम नहीं करेगी। आप इसका जो STR है 5L380R इसकी डाटा शीट में देखोगे तो कम से कम 10 वोल्टेज की सप्लाई रहनी चाहिए और मैक्सिमम 25 वोल्ट से ऊपर नहीं जाना चाहिए इसका। इस हिसाब से ही इसकी कैलकुलेशन रखेंगे, और 5 वोल्टेज अगर आउटपुट में लेना है इससे तो इसका जो टर्न कैलकुलेशन है वो इस फार्मूले से आएगी। तो आउटपुट में 5 वोल्टेज की सप्लाई लेते हैं तो 4 टर्न लगाने होंगे, यहाँ पर 10 टर्न नहीं लगेंगे अगर 5 वोल्टेज की सप्लाई लेते हैं तो। अब आगे इस SMPS को टेस्ट करते हैं। SMPS को टेस्ट करने के लिए पहले जो इसमें सप्लाई देंगे वो सीरीज लैंप की सहायता से ही इसमें सप्लाई देंगे। यहाँ पर इसकी आउटपुट की LED जल गई है और 21.2 वोल्टेज आ रहे हैं। ये इसकी फुल रेंज है वोल्टेज की। इसका आउटपुट में जो वोल्टेज सेट करने के लिए जिनर डायोड लगाते हैं वो अभी तक मैंने इसमें नहीं लगाया है। यहाँ पर ये जिनर डायोड है, इसको लगा लेते हैं। अब यहाँ पर जो जिनर डायोड लगाएंगे वो 12 वोल्टेज की आउटपुट करने के लिए यहाँ पर ये 11 वोल्ट का जिनर डायोड लगाएंगे। आउटपुट में 12.7 वोल्टेज आ रहे हैं, और लोड के लिए मैं लैंप भी जलाता हूं। 0.5 एम्पियर का लोड आ रहा है और 12.5 वोल्टेज है। अगर इससे 12.5 वोल्टेज से थोड़े बहुत और बढ़ाने हैं वोल्टेज तो इस जनरेटर डायोड के आगे डायोड और लगाते जाएंगे। जैसे जैसे एक डायोड लगाएंगे तो 0.5 वोल्टेज इसका बढ़ जाएगा। इस प्रकार से 41-48 डायोड भी लगा सकते हैं, या ये बड़ी डायोड आती है 4007, इस टाइप की भी लगा सकते हैं। दोनों में से कोई सी भी लगा सकते हैं जनरेटर डायोड के आगे। जनरेटर डायोड से विपरीत ही लगाएंगे इसको। अब 12.9 वोल्टेज आ गए हैं यहाँ पर। एक डायोड और लगाएंगे तो थोड़े वोल्टेज और प्लस हो जाएंगे इसमें, 0.6 वोल्टेज के लगभग इसमें ऐड और हो जाएंगे। अब यहाँ पर 13.4 वोल्टेज आ रहे हैं, और इसमें थोड़े करंट को और बढ़ा के टेस्ट करते हैं। इसके लिए मैं थोड़ा हैवी लैंप लगा ले लेता हूँ, 1.5 एम्पियर का।
यहाँ पर ये सीरीज लैंप लग रहा है, इसको डायरेक्ट ही लगा लेते हैं क्योंकि लोड बढ़ गया है। 13.4 वोल्टेज है, 1.8 एम्पियर है। तो इस प्रकार से जेनर डायोड से आउटपुट में वोल्टेज सेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका और है, TL431 जेनर लगा करके उससे भी आउटपुट में वोल्टेज सेट कर सकते हैं। उसके लिए भी प्रीसेट लगा करके, वो भी मैं आपको दिखाता हूं। जो दूसरा तरीका है आउटपुट में वोल्टेज सेट करने के लिए, वो मैंने यहाँ पर इस सर्किट डायग्राम में यहाँ पर एड कर दिया है। ये TL431 जेनर है और इसको इस सर्किट डायग्राम की तरह ही लगा देंगे। यहाँ पर जो ये 10 kΩ का प्रीसेट लगाया है, इससे आउटपुट में वोल्टेज को सेट कर सकते हैं, जो कि मैंने इस SMPS में यहाँ पर ये TL431 यहाँ पर लगा दिया है। ये 10 kΩ का ये प्रीसेट है। पिन नंबर 1 और 3 पर ये 104 PF जरूर लगाएंगे इसको, और इस प्रकार से इसको टेस्ट करते हैं पहले। अब यहाँ पर देखेंगे आउटपुट में जो वोल्टेज आ रहे हैं वो 7.7 वोल्टेज आ रहे हैं। इसको मैं कम वोल्टेज पे सेट करता हूँ, जैसे 5 वोल्टेज पर भी सेट हो रहा है, 4.9 वोल्टेज पर भी सेट हो रहा है, ऐसे 4 वोल्टेज पे सेट कर दिया है। लेकिन इसको जैसे ही कनेक्ट करेंगे लोड के साथ में, जब यहाँ पर ये LED ब्लिंक करने लगी है और इसके वोल्टेज भी बिल्कुल ड्रॉप हो गए हैं। इस प्रीसेट से इसको सेट करेंगे, इसकी मिनिमम रेंज कहाँ से चालू होती है वोल्टेज स्टेबल रहे। इसकी मिनिमम जो रेंज चालू होती है वो 7.3 वोल्टेज से चालू होती है। वो इसलिए क्योंकि इसमें जब वोल्टेज को कम करते हैं तो इसकी जो VCC वोल्टेज है वो भी कम होती है। अब यहाँ पर जो 7.3 वोल्टेज आ रहा है, थोड़ा वोल्टेज को और बढ़ा लेते हैं, लगभग 8 वोल्टेज कर देते हैं। इसके VCC वोल्टेज कितने आ रहे हैं उसको टेस्ट करते हैं पहले। यहाँ पर देखेंगे तो 9.7 वोल्टेज आ रहे हैं। ये रेंज इसकी चालू होती है मिनिमम वोल्टेज की। इसको वोल्टेज को और बढ़ाते हैं, थोड़े थोड़े ऐसे वोल्टेज को बढ़ा सकते हैं इस प्रकार से। मैं सीरीज लैंप को डायरेक्ट ही लगाता हूँ और अब वोल्टेज बढ़ाते हैं इसमें 12.8, 15 वोल्टेज, 17 वोल्टेज ऐसे बढ़ा सकते हैं इसको। ये इसका फुल वोल्टेज रेंज आ गई है 21 वोल्टेज, और ऐसे ही इससे प्रीसेट से कम भी कर सकते हैं वोल्टेज को। तो दोस्तों, जो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वोल्टेज रेंज है, वो मिनिमम वोल्टेज 8 वोल्टेज से चालू होती है, मैक्सिमम वोल्टेज 21 वोल्टेज तक ये जाता है। दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा SMPS को कैसे बनाते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना। आप इस चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपको ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।